चूरू मुख्यालय पर आज लगभग दो सप्ताह के बाद सूर्य देवता ने अल सुबह सुबह अपने दर्शन दिए। पिछले दो हफ्तों से बादल और कोहरे की आवाजाही में धूप शाम होते होते ही खिलती थी, जिससे आम जन की सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती थी। लेकिन आज सुहानी सुबह के साथ ही आम जन के साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि तापमान में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की गई। गांव घांघू सहित आसपास के क्षेत्र में आज अल सुबह पड़ी कड़ाके की ठंड में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। घरों में बाहर रखे बर्तनों में पड़ा पानी बर्फ के रूप में तब्दील हो गया। घरों में बाहर खड़े वाहनों की छत पर बर्फ की परत जम गई। वहीं खेतों में सरसों, गेहूं, जौ व चने की फसल पर पड़ा पानी भी बर्फ के रूप में फसलों पर जम गया। फसलों में पानी देने वाले पाइपों पर भी बर्फ की परत जम गई व मिट्टी के धोरों पर पड़ी ओस की बूंदें भी बर्फ के रूप में जम गई। बर्फ जमने के कारण फसलों में नुकसान होने की संभावना है। गांव घांघू के किसान सतपाल तड़ ने बताया कि अल सुबह उठकर जब खेत में देखा तो सरसों की फसल पर बर्फ जमी हुई थी। चूरू में पंचायत शिक्षकों ने आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। पंचायत शिक्षक संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर में एकत्रित हुए पंचायत शिक्षकों ने नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन भी दिया। इसके बाद इनके द्वारा पंचायत समिति में चल रहे BLO प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। पंचायत शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश धुआ ने बताया कि BLO कार्य का मासिक मानदेय, राजकीय अवकाश के दिन BLO संबंधी कार्य करने पर न्यूनतम भुगतान 2000 रुपए, वार्षिक 15 PL का लाभ, BLO प्रशिक्षण के एवज में TA और DA का भुगतान आदि की मांग की जा रही है। सरदारशहर नगर परिषद टीम ने चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए धरपकड़ करते हुए लाखों रुपए की कीमत की चाइनीज मांझे की 400 चरखियां जब्त की। सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि शहर में लगातार चाइनीज मांझे से पशु पक्षियों के घायल होने की सूचना मिल रही थी और सामाजिक संगठनों द्वारा भी चाइनीज मांझे पर रोकथाम की मांग की जा रही थी, जिस पर नगर परिषद JEN रोहिताश मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर तहसील कार्यालय और पुलिस टीमों के साथ साथ शहर की विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए करीब 400 चरखियां जब्त की गई। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझे की बिक्री की रोकथाम के लिए आगे भी धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। जब्त किया गया मांझा आगामी 1-2 दिन में गांधी चौक में सार्वजनिक रूप से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तवज्जो देते हुए उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कि चूरू जिले में मेरे मानने में है कि सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी चाइनीज मांझा बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उनके लिए एक मुहिम है कि भाई वो चाइनीज मांझे से अपना जो त्यौहार है वो न बनाए, केवल साधारण डोर और पतंगबाजी करें। पतंगबाजी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चाइनीज मांझे से जो हो रहा है नुकसान है वो सभी के लिए घातक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभापति जी का, जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ प्रशासन को और सभी को सचेत करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, पिछले दिनों नगर परिषद ने भी पूर्व में घोषणा की थी और विप्र फाउंडेशन सरदार साहब द्वारा पिछले दिनों गांधी चौक में कार्यक्रम करके और नगर परिषद और माननीय SDM साहब की उपस्थिति में, CI साहब की उपस्थिति में और ये चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान चलाने का एक जो निवेदन किया था उसी के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारी नगरपालिका और तहसील की पूरी टीम ने मिलकर एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने इन 3-4 दिनों में जो माल पकड़ा है वो आपके सामने है। और ये कार्यक्रम जब तक जारी रहेगा कि तब तक ये डोर बिकनी बंद नहीं होगी, तब तक ये हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। और करीब जो माल है उसकी कीमत जो है वो आकलनकर्ताओं द्वारा इसको लाखों में बताई जा रही है, मैं इसका पूरा जानकार नहीं हूँ, लेकिन 130 पर में पकड़ी थी, 4 कार्टून हमारी टीम आज पकड़ के लाई है और 1 कार्टून में करीब 60 पीस हैं, तो ये बहुत बड़ी एक है। और पिछले दिनों भी अभियान शुरू करने के बाद भी एक दो घटनाएँ शहर में इस दौर से कटने की हुई है और नगरपालिका नगर परिषद हमारी इसलिए वचनबद्ध है। आभार व्यक्त करूंगा मैं पुलिस प्रशासन का और SDM साहब का जो लगातार इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं।
संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव एवं जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छापर स्थित मतदान बूथ संख्या 194 का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। संभागीय आयुक्त यादव ने मतदान केंद्र पर पेयजल व रैंप सहित आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान नए मतदाता पंजीकरण, शिफ्ट हुए मतदाताओं, नाम हटवाने संबंधी आवेदनों, दिव्यांग मतदाताओं व होम वोटिंग संबंधी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि बीएलओ क्षेत्र के मतदाताओं नए आवेदनों के बारे में अपडेट रहे। इस मौके पर सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साग, बीएलओ पूनम कंवर, सुजानगढ़ एसडीएम रमेश कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहन यादव ने आज जिले के छापर नगरपालिका मुख्यालय पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने फीता काट कर एवं तिलक कर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार रथ का स्वागत किया। नागरिकों से संवाद करते हुए संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्ध और विकसित राष्ट्र का स्वप्न व संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण माली, पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत महेंद्र कुमार, अजीत कुमार आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदौरिया ने कहा कि 1965 के भारत पाक युद्ध में शास्त्री ने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए देश पर आए हुए संकट का सामना करते हुए पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने कहा कि वर्तमान राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जैसे ईमानदार नेताओं की देश को आवश्यकता है, जिन्होंने अपनी सादगी से भारत माता की सेवा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इस दौरान रमेश कुमार पारिक, मोहनलाल बबेरवाल, शंकरलाल कम्मा आदि उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के नेतृत्व में स्थानीय सूर्य सिनेमा हॉल के पास आदरणीय मोदी बबीरवाल के प्रतिष्ठान पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम सब लोगों ने उनके विचारों को सब लोगों ने एक दूसरे के उद्बोधन से जाना। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने 18 महीने तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को संभाला संवारा और वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश में जब अनाज की कमी आई तब सभी लोगों से सप्ताह में एक दिन का उपवास रखने के लिए कहा और सभी देशवासियों ने उनकी एक बात पर एक आवाज पर सबने फॉलो किया और सप्ताह में एक दिन उपवास रखा और अनाज की कमी दुरुस्त हुई। तो ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को हम सब ने याद किया और राष्ट्रवादी मंच की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को न्योछावर किया, जिन्होंने बड़े ओहदे पर रहते हुए हमारे देश के लिए काम किया, हम उन सबको याद करते रहेंगे। उनकी चाहे जयंती हो चाहे पुण्यतिथि हो, हम उन सबको याद करते रहेंगे और आप सभी मंच के सभी कार्यकर्तागण पधारे, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट में आज कार्यानुभव प्रभाग में क्रियाशील पुस्तकालय के आंकलन पर PEEO का एक दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य गोविंद सिंह राठौर ने विद्यालयों में पुस्तकालयों की क्रियाशीलता के बारे में उपयोगी जानकारी दी। उपाचार्य डॉ. सत्यनारायण स्वामी ने अब्राहम लिंकन के पत्र को साझा करते हुए पुस्तकों से दोस्ती करने का सुझाव दिया। कार्यानुभव प्रभाग की प्रभागा अध्यक्ष उमा सारस्वत ने पुस्तकालय में पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने पर जानकारी दी। इस अवसर पर योजना एवं प्रबंधन प्रभागा अध्यक्ष संदीप मेहरुलिया, CMDE प्रभारी बजरंगलाल मीना, ET प्रभागा अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के बाबा भूतनाथ मंदिर
पकड़नाथ जी की बगीची भर्तियों की ढाणी में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा एवं रुद्रयाग यज्ञ हवन के एकादशा समारोह के समापन पर संत प्रतिज्ञानाथ महाराज गुसाईसर के शिष्य इंद्रनाथ महाराज को आज चादर उड़ाकर दायित्व सौंपा। इस अवसर पर भंडारे के आयोजन में संतों व धर्म श्रद्धालुओं को भोजन व प्रसाद वितरण के पश्चात यथा दक्षिणा दी गई। कार्यक्रम में गुरु भाई भैरुनाथ मोहननाथ ओमगिरी महाराज आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर बोड़िया कुआ पर आज एसआर प्लाजा के आगे दुकानदारों के सहयोग से विशाल पोष बड़ा प्रसाद के अंतर्गत भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों को गरम हलवा सब्जी व पूरी का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सीताराम सेन विद्याधर पारिक हरिप्रसाद ढल्ला आदि ने विशेष सहयोग किया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में चल रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत आज विभिन्न खेलों में स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। खेल अधिकारी डॉक्टर संजय कसवा ने बताया कि वॉलीबॉल के स्टाफ मैच में लोहिया कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य संतराल की टीम विजेता रही। इसके अतिरिक्त छात्रा वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में माया खुद का दल विजेता रहा। वही छात्र वर्ग में अजय सिंह का दल विजेता रहा। एक रोमांचक मुकाबला प्रोफेसर्स और होस्टलर्स के मध्य खेला गया, जिसमें प्रोफेसर ने पहला मैच 21-14 से व दूसरा मैच 10-0 से जीतकर सफलता हासिल करते हुए शिष्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जयपुर से श्री गंगानगर जाते समय कर्णपुर विधायक रूबी कुन्नर का आज रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह राय का एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान के नेतृत्व में हुए स्वागत समारोह में कुन्नर ने कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की यह जीत कार्यकर्ताओं की बदौलत हुई है। इस अवसर पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप सिंह भोजासर, पार्षद मुख्तियार खान, वासुदेव बुढ़ाडरा आदि उपस्थित रहे। चूरू की ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र पाबूजी सेवा बस्ती गादसर में आज संकुल संस्कार केंद्र संरक्षक श्री कृष्ण सारस्वत ने अपने माता पिता की स्मृति में टीन शेड लगवाया। इस दौरान केंद्र सचिव किशनलाल सैनी ने संरक्षक का शाल व विद्यालय के व्यवस्थापक हरिओम दास शर्मा द्वारा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उमा सारस्वत, प्रधानाचार्य सुशील कुमार प्रजापत, धर्मेंद्र लुहार आदि उपस्थित रहे। छाजूसर गांव की राजकीय बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य चंद्रकला खीचड़ की अध्यक्षता में आज भामाशाह भवनलाल खीचड़ व व्याख्याता गोपी चंद ने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। प्रधानाचार्य चंद्रकला ने कहा कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनुष्य को सेवार्थ जैसे कार्य करने चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। कार्यक्रम में समाज सेवी फूलाराम बागड़ा, ओम प्रकाश आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा घोषित परिणाम में गांव घाऊ के मनीष कुमार बाटू के पुत्र वरण बाटू ने सीए बनने का गौरव हासिल कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। वरुण बाटू के दादाजी भवनलाल बाटू ने बताया कि पोते के सीए बनने पर घर परिवार में सबको बहुत खुशी हुई है और यह सफलता युवाओं को भी आगे बढ़ने में प्रेरित करेगी। सदाशहर के हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर साडासर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर से पल्लू बाइक पर जा रहे 30 वर्षीय हरीश प्रजापत और हरीश प्रजापत 45 वर्षीय पुत्र मदनलाल प्रजापत बाइक पर सवार होकर मजदूरी के लिए पल्लू जा रहे थे। तभी आगे चल रही पिकअप चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही बाइक पिकअप से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों की चोटें आई। राजकीय अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है।